सफला कामयाब तरीन हज करार पाया और इसका सेहरा आपके सर पे, आप सबके सर पे है। आप लोगों की मेहनतों और काविशों से हज 2016 एक कामयाब तरीन हज करार पाया और वजारत के लिए बड़े एजाज की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको, सेक्रेटरी साहब को, मिनिस्टर साहब को, डीजी साहब को बुलाया और मुबारकबाद दी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत मुबारक की बात, और इस पे भी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी मेहनतों से, आपकी कोशिशों से तमाम वजारत के एम्प्लाइज को, इंक्लूडिंग हज डायरेक्ट्रेट्स, तमाम एम्प्लाइज को 4 इजाजिये दिए जा रहे हैं। इस पर हम सब आपके शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह वजारत का स्टाफ पहले भी मेहनत से काम करता था और इंशाल्लाह इसी मेहनत जज्बे के साथ अगले सालों में काम करता रहेगा। और इंशाल्लाह जिस तरह हज 2016 का रिजल्ट आया है, इंशाल्लाह हज 2017 का रिजल्ट इससे ज्यादा अच्छा रहेगा और इसी मेहनत और जज्बे के साथ हम काम करते रहे। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा था सेक्रेटरी साहब का पर्सनली, वो ये कि लास्ट ईयर भी हज 2016 बहुत अच्छा हुआ, 2015 सॉरी अच्छा हुआ, तो सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर साहब ने, आपने जो अच्छे काम करने वाले थे उनको सर्टिफिकेट्स और शील्ड से नवाजा था। इस दफा भी सेक्रेटरी साहब की हदायत के मुताबिक हमने एक सर्कुलर किया और तमाम एम्प्लाइज, हज डायरेक्ट्रेट्स के एम्प्लाइज भी इंशाल्लाह उस पर अपनी आउटपुट देंगे और हम इंशाल्लाह उसको, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ओपन कर दिया है सबके लिए कि जो भी शील्ड और सर्टिफिकेट विन करना चाह रहा है वो अपना राइट अप लिख के भेज दे और इंशाल्लाह उस पर इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार। दूसरा, मैं बायोमेट्रिक का सर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। जब बायोमेट्रिक लगी तो हम सब बड़े परेशान थे कि यार ये क्या हो गया, और अब उसका फायदा हमें हो रहा है और हम इस पर आपको शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत से लोगों को पंक्चुअल कर दिया और बहुत, ये वजारत के लिए जो लोग काम करने के लिए आते हैं तो आप पंक्चुअल होंगे, टाइम पे आएंगे, टाइम पे छुट्टी करेंगे, तो मेहनत और जज्बे के साथ काम करेंगे। इस पर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं।